बेटियों को मार देगी। एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नवी सोच, मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता तो लैके हाजिर हाँ करंट इशू। करंट इशू लिए चलते हैं लुधियाने, और लुधियाने तो वड्डी खबर आ रही है। एक पंजाब पुलिस के विच एएसआई तैनात, उस ने एक औरत दे गोली मारी है, और गोली मारन तो बाद किस तरह का प्रैशर है पूरे परिवार के उपर, पूरी जानकारी देने वास्ते प्रदीप भंडारी जी मेरे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां तो अपडेट लेंदे हैं। भंडारी साहब, इस वड्डी खबर नूं लैके की जानकारी है तुहाडे कोल? जी सहोता जी, लुधियाना का जो थाना डिवीजन नंबर 7 अधीन एरिया पैंदा चंडीगढ़ रोड के उल चंचल नाम की महिला है, उन्होंने गोली लगन का जोड़ा है मामला सामने आया। तो जोड़ा गोली चला का जोड़ा इल्जाम वो किसी होर से नहीं, समा कि जमालपुर थाने के अधीन जो तैनात जोड़ा एएसआई सुखपाल सिंह उसते लगे ने। महिला के परिवारिक मैंबर ने भी इल्जाम लाया कि उसने जान बुझ के गोली मारी है, तो परिवार मुताबिक देर शाम एएसआई ओदी माता दे नाल घर बाहर बैठे गलबात कर रहे सन, ते अचानक किसी गल नूं लैके उन्हां दी बहस हो गई, ते उस तों बाद जिहड़ी सीगी अपने अपनी सर्विस रिवालवर दे नाल थानेदार ने जिहड़ी सी ओह गोली चला दित्ती जी। की इस औरत दे घर एएसआई दा आउणा जाणा सीगा, कोई बिजनेस करदे सी जां की सी मामला? हांजी, भरोसेयोग सूत्रां तों इही पता लग्गिया वी इह कोई आपसी इन्हां दे आपसी संबंध सीगे, ते जिन्हां दे विच खटास पैदा हो गई सी, जिस कारण की इह जिहड़ी वारदात होई है जी। और इस संबंध में किसे उच्च अधिकारी ना गलबात की थी? हाँ जी बिल्कुल जी, एडीसीपी जिंदर सिंह नाल गलबात हुई है, ते महिला दी जिहड़ी लड़की है उहदे नाल भी गलबात हुई है, वो सारी जी अपडेट आपां नूं भेज दित्ती गई है जी। भंडारी साहब बहुत बहुत मेहरबानी, तुसीं अपडेट दित्ती है। दोस्तों मामूली तकरार तो बाद दस्या जा रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं एएसआई दे उपर कि इस दे नाल आउणा जाणा सी औरत दे घर दे विच, और किसी मामूली टकरार तो बाद इन्हां दी मतलब तू तू मैं हुई, उस तो बाद एएसआई ने उस महिला दे गोली मार दित्ती है। लेकिन की गलबात हुई है इस पूरे विषय नूं लैके, आओ सुणदे आ। चंचल है लेडी, इनू गोली वजी है, तो एएसआई सुखपाल सिंह है, जमालपुर थाने च पोस्टड है, तो ये फैमिली फ्रेंड है, 10-12 सालों तो ये हसबेंड नू नोन है, तो कोई पैसे का लेन देन सीगा जिदे करके इन्हां दी कल बहस हो गई, तो उदे चो एएसआई ने फायर करता जिहड़ी कि ये मैडम नू गोली लगी है जी। किन्ने फायर कीते जी एएसआई? ये वेरीफाई करांगे जी, फिलहाल एक गोली लगी है मैडम, ये भी वेरीफाई किया जाएगा जी। ऑन ड्यूटी सीगा जी? ये भी सारा कुछ अजे वेरीफाई किया जाएगा, फिलहाल ये पता लग गया भी गोली एएसआई सुखपाल वालों लगी। जिहड़े एएसआई वालों इत्थे एडमिट, उन्हां वालों एडमिट कराया गया इस लेडीज नूं? हाँ जी हाँ जी, ओहदे वल्लों उन्होंने की कहि के एडमिट कराया, वेरीफाई किया गया कुछ हजे तक? ये अजे देखांगे ना सारा कुछ। सर प्रवाल जाम कर रहे कि पुलिस थोड़ा धक्का कर रही है, लेडीज दे जिहड़े बयान बदल रही है? नहीं इदा कोई गल नहीं है जी, लेडी होशवास च है, हसबेंड उहदे नाल है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट ते कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी हाँ जी, मामला दर्ज हो जाएगा जी, स्टेटमेंट लगी। हाँ पेट से गोली लगी है, तो कहते शीज आउट ऑफ डेंजर। नहीं अब साड़ी छेती उन्हें फड़ लिया जाएगा, फिलहाल वो कल का मेरे ख्याल एक्सीडेंट चल रहा है, 307 से दर्ज होगा जी। मम्मा और ये अंकल बाहर बैठे थे, वर्दी में अंकल थे और बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे, इनकी कोई आपस में छोटी मोटी पता नहीं क्या बहस हुई होगी, हम लोग अंदर थे घर के, ये लोग वेड़े में बैठे थे, ये लोग बाहर बैठे, इनकी कोई आपस में बहस हुई, इन्होंने ना गोली चला दी, पहली फ्री गई, दूसरी लग गई उनके पेट में। वो जो पुलिस वाले वो घर पे पहले आते थे? हाँ आते थे, पर पापा के दोस्त थे ऐसे उनसे मिलने आते रहते थे। पापा के दोस्त थे? अच्छा, तो उन्होंने गोली क्यों चला दी फिर घर पे? पता नहीं उनकी आपस में कोई बहस हुई होगी। कितने फायर हुए? दो ही थे, एक फ्री चला गया और एक उनके पेट में लग गई। पुलिस ने कोई बयान लिया अभी आपका आगे? लिया था, पर इन्होंने उससे पहले हमें धमका दिया था कि जब तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला ना तो हम तेरे मम्मी पापा को अंदर करा देंगे। और उसकी तरफ से भी टॉर्चर किया जा रहा है, और ऊपर से मम्मा को भी यहाँ पे जब हॉस्पिटल में एमरजेंसी हॉल में रखा तो इन्होंने मम्मा को भी बोल दिया कि नहीं तो हम आपकी दोनों बेटियों को भी मार देंगे जब तूने मेरे अगेंस्ट कोई बोला तो। हाँ जी ऑन ड्यूटी थे। क्या नाम क्या है? सुखपाल सिंह। कौन से थाने में? जमालपुर। तो अभी आप
अभी क्या आपको पुलिस आई थी, अभी क्या सोचते हैं? अभी पुलिस आई देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता, बता दो, हमने सब कुछ सच सच दिया, अब देखो क्या करती है पुलिस। मेरा नाम जतेंद्र कुमार जी, मैं जलंधर तो बिलोंग करता हूं। जी चंचल है, चंचल बिनोचा, ये मेरी सिस्टर है। सर सानू मैं तो जिदाम असी तकरीबन घर से कोई आइडिया 11 बजे कोई कॉल आई है मैं 11:30-11 बजे सिस्टर की, तो रात मैं कॉल आई है जी कोई आइडिया 11:30-11 बजे असी सोन लगे जिदा आके मैं कहना भी इदा इदा ना गोली लग गई सिस्टर, मैं क्या कि लग गई, तो यू मैं क्या यह भी सगा नाल ही, मैं क्या कि लग गई, तो मैं क्या किन्ने बजे लगी है, कहना बस हूँ ही लगी जस्ट हूँ, मैं चलो ठीक है, मैं असं आ रहे गड्डी लैके भी तेरे को, मैं सिस्टर आप सारे इकट्ठे हो गए जो इतने आए हैं। सर सानू पता लगता गोली चल रही है 12:53 सर सानू 11:30-11 बजे पता लगता की करता रहा, उत्तों पहले तो पता नहीं कि हॉस्पिटल से लैके घूमता रहा, कितने की सैटिंग हुई है, की होया हाँ हूँ, हाँ जी SHO ना गल हुई है, मगर वो कहते मुलाजम है कोई नहीं थाने आ रहा जी, जबकि मैं पहले ही इन्होंने बोल रहा भी सर उन्हें निकल जाना, भी वो गलत तो लगता पाया भी प्राइवेट काम कर सकता, क्योंकि वो मेरे सामने निकल भी गया, कोई अचानक सिस्टर ने, मैं सिस्टर को जाके आया, सिस्टर कह रही है उतो ही आके तो मैंने लगा भैया जे वो पेट तो लगी कितने होर लग जाती, फिर और को जाके आया कहती कुछ नहीं, कहती इन्हें गोली चलाई है पहली खाली गई है, दूजी फिर कहती जो खाली गई ना, मैं क्या सुखिया ना कर भी रिवॉल्वर, कहना खाली है खाली है, कहते इन्हें फिर दूजी जो ली दूजी मेरे पेट के वजी, कोई इन्हें भैया जान के नहीं वजी, सच्ची मारी है ओरिजिनल, हूँ मैं तुम्हें गल कर दे, मेरे को रिकॉर्डिंग भी हैगी है थोड़ी जी, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजा, हाँ जी वो भी देखो तुम्हें जिस पता लग जाएगा। उस तो बाद कहता भी मैं तू मैं इन्नी लेट क्यों फोन कर रहा, कहता यार भी ना थोड़ा टाइम लग गया, मैं थोड़ा टाइम, कहता हाँ 2 घंटे जबकि गोली जो गोली चलती है वो रिकॉर्डिंग चलती है, जो गड्डी जा रहे वो तुम्हें सारी आ जानी है, क्योंकि 12:53 तो गोली चल रही है, तो सानू फोन आ रहा 11:30 बजे जो सारिया, कहना मैं बाद जान लगे मैंने पता कि कहना हॉस्पिटल तो रात इतने की गल है, मैं बाहर निकलिया कहना मेरे को बयान है, तू कि बयान ले लिया ICU च, वो तो डॉक्टर उन्होंने फिट ही नहीं कह रहे, तू कि बयान ले लिया, पहले भी प्यार सगा काफ़ी ये आपस फाइनेंस उस पैसों का सिस्टर ना चीज़ा ही होना ना भी इन्होंने घर आना जाना बहुत सगा, ये ब्याज से पैसा भी देंदे रहे कट्ठे इंटरस्ट से काम करते रहे, मैं नहीं जो मैं गया ना हूँ सिस्टर जो होश आया अंदर वड़द ही, मैं उन्होंने कहा मैं क्या की भी जो उन्होंने पूछा भी सीन की उन्हें दसिया भी इदा गोली चली इन्हें चलाई है भी, तो उस तो बाद मैं उन्होंने कहा मैं क्या तू कोई बयान तेरे को लेके गए भी तू इन तो मैंने ना इन्हें इशारा किया इदा अंगूठे ने, मैं क्या अंगूठे से कहीं मेरे को ना साइन करवाए इन्हें अंगूठे से मोहर लवाइया, तो रात जो असं बाहर निकले ना इन्हें मैंने उदों ही कहा कहना मैं उसको बयान ले लिया, मेरी पुलिस ने आ गया, मेरी पुलिस ने आ गया सर, ये थाने च है ASI थानेदार है यार, थानेदार ही बयान लैन आ रहा सर, बहुत ज़्यादा हो रहा हो रहा मैनू जी पुलिस कोऑपरेट कर रही है सर, मैंने तो कोई लगता नहीं जी कल की गोली चली है देख लो। ऐसी हुण तक की अपडेट नवीं ताज़ा खबरों लई जुड़े रहो एवन पंजाबी TV ਦੇ ਨਾਲ।